अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि टॉप फाइव ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, कि जब आप यहाँ पे आएँ तो वो आपको हेल्प कर सकती हैं और बेनिफिट दे सकती हैं। सो यार, ये सब चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं और ऑब्जर्व की हैं, जो मुझे लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा वीडियो इसके ऊपर ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले स्टूडेंट्स को जो है वो बेनिफिट हो सकता है। सो अभी पहले हम जाएंगे कॉफ़ी लेने, और बारिश आज बहुत तेज़ हो रही है इधर सिडनी में। सो आप बारिश और रास्ता एंजॉय कीजिए, हम कॉफ़ी लेते हैं और उसके बाद जो है आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। वेलकम बैक यार। सो अभी हम पहुंच गए हैं कॉफ़ी वाली शॉप के बाहर, और हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, और जो है सब शॉप्स खुली हुई हैं यहाँ पे, डोमिनोज मॉल। चलो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और कॉफ़ी लेते हैं अपनी फिर। वो देखो यार, शॉपिंग सेंटर है वो भी खुल गया, अभी सुबह के 9 हुए हैं सिर्फ, और बारबर शॉप भी खुल गई है और डोमिनोज भी खुल गया। ये कार पार्क है यार, इतनी गाड़ियाँ नहीं है। ये मेडिकल सेंटर है यहाँ पे, अगर यहाँ पास में कहीं जाना हो, छोटा मोटा मसला हो, इधर चलते हैं। Hi, how are you? Can I get a small cappuccino, 2 sugar? Anything else? No, thank you. हाँ तो यार, कॉफ़ी ले लिया, ठीक है। सो अब जो है मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आप उसको करके आएँ सो आपको यहाँ पे इजी हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिस्ट में आती है वो है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। आप अपने कंट्री से मस्ट जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर लाएँ, बिकॉज यहाँ पर आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है, जॉब्स के लिए भी और वैसे भी ट्रैवलिंग के लिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको बहुत जो है वो टाइम लग जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक जगह पर ना आपको ट्रेन में जाना है तो आपको लगेगा 1 आवर, अगर आपको सेम जगह पे कार में जाएंगे तो लगेंगे 20 मिनट्स, एंड वही ट्रेन में अगर आप जाएंगे आपके जो है लगेंगे $5-6 एक तरफ के, और वही अगर आप कार में जाएंगे तो $2-3 का जो है पेट्रोल लगेगा आपका, ठीक है। अब ये है कि अगर आपका 3 ईयर्स ओल्ड लाइसेंस आप वहाँ से बनवा के ला सकते हैं, तो यहाँ पे आके आप जो है वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस जो है वो आप बनवा सकते हैं, एंड उससे ये है कि आपको जॉब्स ज़्यादा मिल सकेंगी एंड आसानी हो सकेगी। नहीं तो अगर आप दूसरा लाइसेंस बनवा के लाते हैं, लाइक इंटरनेशनल परमिट बनवा लेते हैं या अपने कंट्री का लाइसेंस बनवा लेते हैं, सो उस पर भी जो है आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। सो लाइसेंस जो है वो पहला है मेरी लिस्ट में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर पर जो चीज़ आती है वो आती है कि जब भी आप यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो जाए और आपका वीज़ा लग जाए, सो आपको क्लासेस जो है एज सून एज पॉसिबल जो है वो अपनी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जितनी जल्दी आप क्लासेस सिलेक्ट करेंगे उतने जो है कम दिनों में आपकी क्लासेस जो है वो सिलेक्ट होंगी, और उतना जो है आपको फ्री डेज ज़्यादा मिलेंगे कि आप वर्क कर सकें, अपनी असाइनमेंट्स बना सकें, या और अगर आपको घूमना है या जो भी करना है आप कर सकें, ठीक है। ये है कि देखें, अगर आप जल्दी सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है, सो आपकी क्लासेज होंगी 5 डेज़ में, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी थी 5 डेज़ में, क्योंकि हमें नहीं पता था कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आप जल्दी कर लेते हैं, लाइक फर्स्ट 30-40 पीपल में अगर आप क्लासेस सेलेक्ट करते हैं, तो आप 2 या 3 डेज़ में अपनी सारी क्लासेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर पहले सेमेस्टर में हमें नहीं पता था, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में हमें पता था, तो हमने जल्दी से किए, तो हमारी 3 डेज़ में जो है क्लासेज आ गई सेकेंड थर्ड में। सो आपको भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो है ना क्लासेस, आप वहाँ पे होंगे, आप यूनिवर्सिटी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में रहें, जैसे ही वो शेड्यूल क्लासेस डालें आपके ऑनलाइन पोर्टल पे, आप जो है क्लासेस को बुक कर लें। सो अगर आप जल्दी बुक करेंगे, आप 2-3 डेज में क्लासेज होंगी, बाकी 4 डेज जो है आपके पास फ्री होंगे। जो थर्ड नंबर पर चीज़ आती है वो आती है अकोमोडेशन, ठीक है। अब अगर आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रहते हैं तो वो होगी लाइक राउंड अबाउट $250-$300 पर वीक एक रूम का, ठीक है, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन के लिए। वही अगर आप यूनिवर्सिटी से 5-10 मिनट वॉक पे अगर आप रूम ले लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगा
लाइक 150 to $200, डिपेंड करता है रूम का साइज़ कितना है और अगर अटैच बाथरूम है नहीं बाथरूम, ठीक है, लेकिन वो आपको उससे काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, $100 या समथिंग $70-$80 सस्ता मिल जाएगा अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन से। सो अगर आपको थोड़ा चीप चाहिए तो आपको ये करना होगा कि आपने यूनिवर्सिटी के आसपास जितनी अकोमोडेशन होंगी ना आपने उसको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है, कि रूम्स ऑन फॉर रेंट अवेलेबल नियर द जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप आ रहे हैं। सो ये है कि वहाँ पे आपको अगर आप सर्च करते हैं तो आपको ईजिली 170-180 में अच्छा रूम मिल जाएगा, ठीक है, मैक्यूरी यूनिवर्सिटी से भी 5-10 मिनट के वॉक पे अच्छे रूम 180-170 में जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस तरह रूम ढूंढते हैं सो इसमें ये होता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको ट्रैक में भी नहीं होते, बस आपको बोर्ड देना होता है आके और जो है उसके बाद रेंट देना होता है। सो अगर आपने मतलब छोड़ना भी हो तो आप सम जगह पे 2 वीक्स पहले बताना होता है, सब जगह पे 1 मंथ पहले बताना होता है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेते हैं सो आपको आई थिंक 6 मंथ्स और 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने चीप अकोमोडेशन लेनी है या चीप लेनी है या यूनिवर्सिटी में ही रहना है, चाहे वो जितने के लिए आप पे डिपेंड करता है, बट आप मैंने कहा कि इस चीज़ को मैं ज़रूर इंक्लूड करूँ बिकॉज इससे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। नंबर 4 पे जो चीज़ मैंने इंक्लूड किया वो ये है कि आप अपना जो है खाना जो है पकाना वो घर से सीख के आएँ, इससे भी आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कैसे फ़ायदा हो सकता है, अगर आप बाहर खाते हैं सो 1 मील यहाँ पे $10-$15 कॉस्ट करती है आपको, ठीक है। सो अगर आप सोच लें अगर 7 डेज़ आप बाहर से खाना खा रहे हैं तो इट्स लाइक मे बी 200 या इससे भी ज़्यादा जो है वो लग जाए पर वीक में, ठीक है, लेकिन वही अगर आप घर में बनाते हैं सो ये आपके मैक्सिमम $50-$60 or $70 लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं मीट वेजिटेबल ग्रेन्स एनीथिंग जो भी आप बना रहे हैं फुल वीक के लिए एक बंदे का $50-$60 ही लगता है, ठीक है। सो लाइक कहाँ 200 कहाँ $50-$60, लाइक $140 का डिफरेंस बन रहा है। सो अगर आप मंथ का हिसाब लगाएं सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इफ़ यू नो हाउ टू कुक फूड इन योर होम। सो ज़रूर सीख के आएँ, अगर आपको जो जो पसंद है बस आप वो चीज़ें सीखें एंड अगर आप घर में बनाएं सो आपके काफ़ी पैसे जो हैं वो बच सकते हैं। अब नंबर लास्ट पर जो चीज़ मैंने रखी है वो है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। जब भी आप अपने कंट्री से आएँ अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर करवा के आएँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं जो 6 मंथ्स की या 1 ईयर की हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं जस्ट वीज़े के लिए एंड देन उसके बाद उनकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती। सो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो मेडिकल है लाइक कोई भी इलाज है डॉक्टर पास जाना फीस वगैरह मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर आप अपनी इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे सो बहुत ज़्यादा पैसे जो है आपको देने पड़ सकते हैं, लेकिन जब भी आप मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप जब भी अप्लाई करें ठीक है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, ठीक है, और वो आपको करवानी है लाइक फुल टाइम, जब आप चाहे आपकी 3 इयर्स की डिग्री है 4 इयर्स की डिग्री है जितनी इयर्स की भी डिग्री है उस पूरे टाइम के लिए जो है आप अपनी जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, ठीक है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे सो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो पेमेंट होगी वो आपकी इंश्योरेंस देगी, जब आप मेडिसिन बाय करेंगे कुछ भी करेंगे तो आप उनसे जो है वो पैसे आप क्लेम कर सकते। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैंने कहा इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो यार ये थी आज की वीडियो, ठीक है। सो आई होप इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको कोई चीज़ इसमें पसंद आई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें शेयर कर दें सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।